गाड़ी गाड़ी हो रही है, इसमें पानी डलेगा। मैंने दूध माना दिया था ना। स्मेल कह रही पत्ता मेज। गाइस मुझे लग रहा है कि ये सब्जी जल चुकी है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूँ इकरा। सो कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। सो आज मैं फिर लेके आ चुकी है एक मजेदार चैलेंज। नाइस। आज मैं करने वाली 24 आवर्स कुकिंग। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मतलब जो काम मैंने कभी नहीं किया वो आज मैं करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं मास्टर शेफ हूँ और कुछ नहीं पता कि ये करते करते मैं क्या पता बन भी जाऊँ। सो चलिए अभी ना हमारा टाइम हो रहा है नाश्ते का। हम चलते सबसे पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने, और मैं ज्यादा इंट्रो को ज्यादा खींचूंगी नहीं और ना जल्दी फटाफट से चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। मुझे भूख भी लग रही है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी चाय, और चाय सबसे पहले चाय बनाएंगे, फिर अपना ब्रेड को ऐसे ऐसे करेंगे। ब्रेड को ऐसे ऐसे करेंगे, मुझे ऐसे ऐसे करना भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे। चुप हो जा। हमारा ब्रेकफास्ट इज रेडी। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जल गया, मुझे नहीं पता, कुछ ज्यादा ही मास्टर शेफ बन रहा था। इसमें जो ये बेक का फ्लेवर आ रहा है ना, इट्स रियली यम्मी। मतलब थोड़ा जला जला लग रहा है बट कोई बात नहीं, बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। एकदम क्रंची क्रंची ब्राउनी ब्राउनी टेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा यम्मी, बहुत ज्यादा। आप सबको मिलूंगा लंच टाइम पे, लंच बनाते हुए। लंच भी मैं बहुत इजी बनाऊंगा, मेरे लिए वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, पर जिसको आती कुकिंग वो उसके लिए इजी है। सो चलो पहले हम चाय फिनिश करते हैं और मैं लंच टाइम पे मिलता हूँ। लो जी अब हम आ गए लंच बनाने के लिए, और लंच के लिए यहाँ पे मैंने लिए टमाटर मिर्ची जो हमें काटनी थी। ये मैं सीजर से काटती हूँ, मुझसे उससे कट नहीं रहा था। आगे देखना, आगे की मेरी कटिंग देखोगे तो हिल जाओगे। जो मैंने नाश्ते में किया था वो था, हिल जाओगे सच में। उसके बाद यहाँ मैंने दाल ली, मैंने भाभी से पूछ पूछ के सब कुछ किया, दाल धोई अच्छे से, और यहाँ पे अब दाल चढ़ाने की बारी आई। दाल डाली कुकर में, भाई बहुत मजा आया दाल बनाने में। आगे आपको रिव्यू मिल जाएगा दाल कैसी बनी थी, बेकार या अच्छी। उसके बाद मैंने ये सब जो काटा था ये डाल दिया, एंड भाभी यहाँ मसाले बता रही थी, मसाले डाले मैंने। तो ये मुझे पता नहीं तो भाभी बताएंगी, नहीं तो आप सब जानते ही हो, गलत नहीं करना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। नमक डाला, बंद करा, खटाई डाली, खत्म। ये हो गया हमारा काम। अब आगे चावल की तरफ, चावल में कटोरी डाला था, फाइनली मैंने चावल निकाल लिए अपनी कटोरी में और ये खत्म हुआ। दाल बनने रख दी है और ये चावल भिगोने भी रख दिए हैं। अब इसको जब ये वो हो जाएंगे थोड़े मोटे फुल जाएंगे तो फिर पकाने भी रखेंगे। सो अभी ना अभी तो टाइम लगेगा इसको बनने में, 12 बजने वाले हैं। बस ये जब होगा मैं जब आऊंगा आप सबके पास। सो गाइस यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है और दाल को भी खोल के देखनी है कि वो कैसी हुई है कैसी नहीं है। और उससे पहले इसी सब तक इसकी वो सीटी निकल रही है वो निकलने दो। उसके बाद हम ना चावल बनाने रख देते हैं, जब तक चावल बन जाएंगे फिर दाल चावल खाएंगे। दाल तो पक गई, पर ना ये बहुत ज्यादा गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, इसमें पानी डलेगा और पकेगी और तड़का लगेगा। हाँ तड़का भी लगेगा।
अब बारी आई हमारे चावल की। हाँ, मैंने चावल चढ़ाने रख दिए। चावल का तो मुझे आज पता चला बहुत इजी है, पर पानी का भी होना चाहिए। उसके बाद छौके की बारी आई। हमने तेल लिया और तेल में वो कुछ डाला जो डालते हैं। कुकर बंद किया, फिनिश, मेरा काम खत्म। चलो अभी ये सब बन गया। अभी बनने के बाद डायरेक्ट पूरा खाते टाइम मिलेंगे। ओके एंड गाइस, यहाँ हमारा खाना बनके रेडी हो चुका है। दाल देख रहे हो, कसम से यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाई है। एकदम परफेक्ट लग रही है ना। मतलब पूछ पूछ ये बनाई है, पर पूछ के बनाने में भी बहुत डिफरेंट होता है यार। चावल यार देखो, मतलब यार यकीन नहीं हो रहा ये मैंने बनाया। और थोड़ा सा मैंने ये सैलेड ले लिया, प्याज वाला, मिर्ची वाला। यार चलो अब खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा आ रहा है। जानो फाइनली अब मैं यहाँ खाने बैठ चुकी हूँ। बहुत सारा मैं खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत यम्मी। पर्सनली सच में बहुत 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 यम्मी बना, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने बनाया। एंड मैं भैया भाभी से पूछ के भी बताऊंगी कि उन्हें कैसा लगा टेस्ट में। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आप सबको बताया, मैं बिल्कुल परफेक्ट रिव्यू देता हूँ। चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, अच्छा लग रहा है तभी तो मैं खा भी रहा हूँ, वरना तो यार कहाँ। और अम्मी डैडी जी का तो पता है कि मतलब वो खाएंगे, पर वो मुझे तो ऐसे बोल देंगे, पर वो कैमरे पे नहीं बोलेंगे। आपको तो पता है ना उनका। और ज़्यादातर तो भाभी को सब कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा। भैया का भी ऐसे, भैया भी आज ना थोड़ा लेट ऑफिस जाएंगे आज, क्योंकि इनका कुछ यहीं पे काम था। तो भैया लेट ऑफिस जाएंगे, खाना खा के भैया भी चले जाएंगे और उनका पूछ लेंगे कैसा लगा। और अम्मी डैडी जी का तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आप सबको। तीन लोगों में तो खाना पास हो गया, इन सबको बहुत पसंद आया। शादी पर मैंने लेट खाया था, उन्हें भी बहुत पसंद आया। दाल चावल ना गाइस सबको बहुत पसंद आए, बहुत ज्यादा। दाल चावल मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे से बन भी गए थे। चलो आप चलते हैं, हम मिलेंगे आपको डायरेक्ट आप शाम के नाश्ते में बनाते हुए या उससे पहले बीच में मिलूंगी। अभी चलते हैं। चलो अभी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स होना है। चलो मिलते हैं। चलो अब हम ना एक चीज बनाने जा रहे हैं। मतलब वो मैंने ना हमेशा गली में खाई है, मतलब बाहर से मंगा के खाई है, बट कभी मैंने घर पे नहीं बनाई। वो आप सब भी जानते हो क्या हो, बट मैं उसको बाद में बताऊंगी क्या है। मैंने हमेशा मतलब सोचा घर पे ट्राई करने के लिए, बट मैं इस वीडियो के लिए ही उसको लेके आई थी बाजार से। मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ, वीडियो में बनाऊंगी। पर अभी फिलहाल चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें आलू उबालने पड़ेंगे। मैंने सब कुछ यूट्यूब पे देख रखा है और भाभी अम्मी से भी मैं पूछ करूंगा, जो मुझे नहीं आता। वैसे मुझे कुकिंग आती नहीं है तो आप सबको पता ही है। और चलो पहले हम चलते हैं सबसे पहले आलू उबालने। आलू गिर गया। अभी हम आलू उबालने जा रहे हैं, दो आलू बस। अम्मा चली जा, सो जा। अरे गिरने पे लगे पड़े, गिरने पे लगे पड़े। मैंने तुझे मना किया था ना, नहीं दिला नहीं दिला। यहाँ पे ना शाही नाश्ता दाल मोठ, इसका तो नाम ही इतना बड़ी है, मुझसे लिया नहीं जाता। फाइनली मैं इसको बना रही हूं। अभी मैंने दाल मोठ उबालने के लिए रख दिया आलू को। देखो कितनी देर में उबलते हैं, ये उबल जाएंगे तो फिर हम अपना प्याज वगैरह काटने की तैयारी करेंगे। मीन्स अभी तो टाइम है 3:04 हो रहे हैं, अभी टाइम है अपना 4 बजे तक शायद सब कुछ हो जाएगा, फिर वो करेंगे। ये देखो महान, बस महान। सो अभी इसको कर लेते हैं, इसके मतलब वेट करते हैं कि कब तक होगा। इसको करने के बाद फिर मैं आप सबसे मिलूंगी डायरेक्ट प्याज वगैरह कट करते टाइम। ओके सो गाइस, हमारा वो सब जो मैंने रखा था वो हो चुका है। क्या रखा था? दाल मूर। टाइम भी 5 बजने वाले हैं, 4:42। सो चलो अभी ना हम चलते हैं बाहर। सो या इट्स टाइम टू रिवील माय कटिंग। आलू का सारा मैंने कचुम्बर निकाल दिया था, भाई साहब पूरे पिचक चुके थे। बहुत मेहनत लगी मुझे इसको काटने में, कभी कहीं से खराब हो रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है। फाइनली मैंने आलू छिल दिए थे। सिर्फ लग रहा है ये कि बहुत अच्छे छिल दिए, पर ये बहुत टाइम लगा। एंड ये टमाटो काटने में तो मेरी हालत खराब ही हो गई थी, हाथ दुख गए थे, कट के ही नहीं दे रहा था। पता नहीं यार क्या हो गया था इसको। मेरा फेस देख देख के आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगी मुझे इसे काटने में, सच में बहुत मेहनत लगी। एंड उसके बाद अनियन की बारी आई। अनियन ने तो पागल कर दिया, पूरी अनियन के तो कपड़े ही उतर गए थे, बहुत छोटी सी थी ये। एंड उसके बाद ये धनिया काटने की, यहाँ तो पूरा मास्टर शेफ ही बन गया। फाइनली यहाँ पे मैंने सब कुछ कट कर लिया, फाइनली मैंने जंग जीत ली। उसके बाद मैंने ये दाल धोनी शुरू करी, इसका नाम क्या है मैं फिर भूल गई। अभी ना हमने पता है क्या हुआ, कैमरा ऑन करना भूल गए। हमने इसमें टमाटर आलू ये सब मिक्स कर दिया, कैमरा मतलब चालू करना भूल गए थे। अब इसमें हम डाल लिए हरी मिर्ची और ये ढक गई। अब क्या डालना है? इसमें नमक। और गाइस
मैंने यहाँ कोई चीटिंग नहीं करी है, ठीक है? मैंने खुद से डाला, बस पूछा था भाभी से कि इसमें क्या क्या डालेगा। नमक मिर्ची डाली और नींबू डाला फटाफट से, और इसको मिक्स 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 किया एंड ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है। यहाँ मैं सबके लिए सर्व कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। स्मेल जो होती ना खुशबू, बहुत अच्छा स्मेल, कह रही पत्तमीज। चलो अब चलते हैं, सबको ये खिलाते हैं। अम्मी डैडी जी तो ये खाते नहीं है, अगर वो खाते भी तो मैंने आपको पहले बता देता कि वो कैमरे पे नहीं होगा। अब भाभी से पूछते हैं कि कैसा लगा सब कुछ, भाभी को ही टेस्ट करवा रहे हैं और मैं भाभी को ही कराऊंगा। भैया जब आ जाएंगे घर पे ऑफिस से तो मैं उनको भी टेस्ट कर उनको भी टेस्ट मैं उनसे भी करवाऊंगा। क्या यार, उनको भी खिलाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा और पूछूंगा कैसा लगा, ठीक है? चलो पहले भाभी को खिलाते और पूछते कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी आज, बहुत मेहनत का काम कर रहा हूँ मैं। बताओ खा के। सही है, सच में अच्छी बनी, सच में बहुत अच्छी बनी। नमक मिर्च एकदम बराबर है, बढ़िया। भाभी को तो बहुत पसंद आई। चलो भाभी की भी तबीयत खराब हो रही तो वो भी ज्यादा नहीं खाएंगी, इतना नहीं शादी खाएगा नहीं खाएगा। मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मैं खा के बताऊँ। मैं मुझे मैं क्या यार, नहीं नहीं इसने हमने घर पे ये पहली बार बनाया यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। पहले मैं इसको खाती हूँ, इसके खाने के बाद मैं मिलूंगी आपको डायरेक्ट डिनर के टाइम पे, डिनर बनाते हुए। पता नहीं डिनर में क्या, डिनर में नाक बोल ली मेरी। फिलहाल मैं टाइम भी दिखा दूँ आप सबको, क्या टाइम हो रहा है, 17:21, मतलब हो रहे हैं 5:21। मेरे ना ऐसे ही होता है। चलो मिलते हैं डिनर में। और अपुन आ चुका है अपने फुल और जोश में। मैंने यहाँ पे बिल्कुल मास्टर शेफ वाली एक्टिंग करने की तैयारी की और यहाँ पे तेल डाला, अम्मी जी को बुलाई कितना तेल होना चाहिए, और यहाँ पे फुल ऑन डैडी जी, अम्मी जी ने मेरी बेइज्जती करी कि इतना डरेगी तो हो गया, छींटे आ रही थी कसम से। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्राई करा, इतना डर लग रहा, छोटी छोटी छींटे आ रही थी। फिर मैंने उसके बाद टमाटर डाला, मिर्ची डाली, ये मिक्स 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 मिक्स। फिर मैंने डाले चने, वो चने डालते रहे, घुमाते रहो घुमाते रहो, मैं तो घुमा भी बहुत गलत रहा था। उसके बाद मैंने मसाला डाला, मिर्ची डाली, और भाई मुझे धनिया और हल्दी में फर्क ही नहीं पता, मैं हल्दी डाल रहा था। मैंने कहा बेटा ये हल्दी डाल लिए तो बेवकूफ हो रहा है। और देखो मैं घुमा कितना उल्टा रहा हूँ, और यहाँ पे नमक बिल्कुल कम था, समझ नहीं आ रहा था क्या टेस्ट है ये। देख रहे हो हमारे ब्लैक ब्लैक चनों का, यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने जब तक ना ये हो रहा है मैं सोच रहा हूँ रोटी के लिए आटा गूंद लूँ। आटा है नहीं पर जैसे तैसे भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले आटा करते हैं, फिर उसके बाद ना ये बन जाएगी, फिर सब्जी की कर लेंगे, रोटी बाद में बनाएंगे। तो चलो पहले ना हम करते हैं हम आटे की तैयारी, आटा गूंदते हैं। अपनी लाइफ में ये सब कुछ मैं पहली बार कर रहा हूँ, और ये आटा पहली बार मैंने गूंदा, मुझे पता ही नहीं था आटा गूंदते कैसे है। मतलब मैंने देखा है भाभी अम्मी को कि ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा उसी की तरह करता, पानी डालता जा रहा हूँ। और मैंने दोबारा आटा लिया, पतला हो गया था आटा, तो मैंने फिर थोड़ी सी अम्मी जी की हेल्प ले ली थी, उनकी हेल्प से मैंने थोड़ा आटा गूंदा, तभी मेरा आटा पता है आगे देखना बिल्कुल परफेक्ट हुआ। और मेरी खुशी ना आप सबको मैं जाहिर नहीं कर सकता, मैंने बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदा अम्मी जी की हेल्प लेके, यार वाह 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 वाह। तो गाइस हमारे चने रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। जब से मुझे लग रहा है फीके फीके क्यों लग रहे हैं, मैंने कहा चलो आप ऐसी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर अम्मी जी ने नमक डाला ना तो बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा सा चलता है ना इतना जब आता नहीं। आटा देखो, आटा मेरे कितना हाथ से बगड़ा, अम्मी से पूछ पूछ के मैंने ये आटा भी गूंद लिया, एकदम परफेक्ट गूंदा, बस रोटी गोल गोल नहीं बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और अब तो आटा वाटा भी सब कुछ हो गया, अब मैं मिलूंगा आप सबसे थोड़ी देर में जब सब्जी बनाने का टाइम होगा। 7:30 हो चुके हैं और सब्जी वब्जी काट के मैं सब कुछ सामान रेडी रख लेता हूँ, जब बनाऊंगा तब मिलूंगा, फिर ऐसे ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो अभी मिलते थोड़ी देर में। चलो अब मैं सब चीज़ से फ्री हो चुका हूँ, अब हमारी 9 बज चुके हैं, अब हमारा टाइम है सब्जी बनाने का। मैं फटाफट से कुकर वगैरह उठाती हूँ और सब्जी बनाने रखते हैं, और फोन भी सेट करते हैं हम अपना, फिर रोटी जब तक सब्जी बनती रहेगी, रोटी बन जाएगी 9 बज गए, कब खाने खिलाऊंगा मैं अपने घर वालों को। रिएक्ट एक्सेलरेटर, जैसे कि मैं कितना बड़ा मास्टर शेफ हूँ, वैसे आज के दिन में मास्टर शेफ ही हूँ, ज़्यादा मुँह चलाने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है ना। चलो मैं छोटा मास्टर शेफ, काम के टाइम मैं कोई जोक भी अपने छोड़ने आऊंगा, क्योंकि काम मैं बहुत सीरियसली करता हूँ। यस
उसके बाद मैंने अम्मी जी से यहाँ ली क्लास के क्या क्या सबसे पहले डालना है। अम्मी जी ने मुझे बताया ये डालना है वो डालना है। भाई सब आज तो हालत खराब हो गई। अरे यार ये मालूम पिता करने के चक्कर में मेरी सारी प्याज ही जल गई, पूरी काली हो गई थी। अल्लाह जाने अब सब्जी का क्या होगा। यहाँ मैं इतना ज्यादा डर रहा था, सारे मसाले डाले, भाभी मेरी हेल्प कर रही थी। और अब अपन बहुत ज्यादा सीरियस था, मैंने सीरियस होके काम किया, सब्जी डाली, कुकर बंद करा, फिनिश। खिंचेगी वीडियो बहुत लंबी। चलो मिलते हैं अभी रोटी बनाने टाइम। लो जी अपुन आ गया रोटी बनाने। ये बेस्ट पार्ट था, मैं बहुत एक्साइटेड था रोटी बनाने के लिए। गोल गोल अंडा, छिपाई के दंडा, मिलाई की पो। ओ देखो गोल हो गया। सुना है ना डर के आगे जीत है भाई, मैंने हिम्मत हारी नहीं है, मैं फिर लग गया रोटी बनाने। टेढ़ी मेरी रोटी बनाई, गोल अंडा बना, फाइनली रोटी बन के रेडी है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रोटी कैसे पकेगी, मुझे भाभी और अम्मी जी की निंजा टेक्निक याद आई, मैंने वैसे ही ट्राई किया। बहुत उम्मीद थी मुझे कि मेरी रोटी फूलेगी, बट ये उम्मीद टूट गई, चूर चूर हो गई। मेरी रोटी फूली नहीं, पर देख रहे हो जली नहीं, थोड़ी बहुत जल गई यार। चलो मैं पूरी रोटी बनाने के बाद मिलता हूँ, वरना मुझे बहुत परेशान करेगी, ठीक है। One hour later. रोटी का काम खत्म हुआ, सब्जी मुझे नहीं पता कैसे हुई, और मैं यहाँ से सफाई वफाई कर देती हूँ, बिल्कुल करने के बाद मैं सब कुछ करने के बाद मिलूंगी। एंड गाइस मुझे लग रहा है कि ये सब्जी जल चुकी है, नीचे से देख रहे हो काला काला सा हो गया। मतलब हमारे तो ऐसी नहीं होती, मेरे में लग रहा है कि मसाला भी मैंने कुछ ज़्यादा भर भर के डाल दिया। और देखो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि कैसा लगा सबको। अभी फिलहाल ऐसे रख देता हूँ मैं। A few moments later. Finally, मेरे रेस्टोरेंट का खाने का रिव्यू होने वाला। भैया की स्माइल देख रहे हो, डर रहे थे वो बहुत ज्यादा, उन्हें यही यकीन नहीं होता कि मैंने बनाया है, कि हमारे घर का मेरे बाद नौटंकी। और भाई साहब भैया ने खाना शुरू करा, इनका फेस देख रहे हो कैसा लटक का पड़ा है मेरे खाना खाके। आगे मैं आप सबको बताऊंगी ये सबका रिव्यू कैसा था, क्या था। ये थी मेरी रोटी, बस मैंने तीन रोटी बनाई थी, तीन रोटी बनाने में मुझे एक घंटा लग गया था। ओ भाई मेरी रोटी देख रहे हो कितनी सुंदर चंदा बना, बिल्कुल परफेक्ट चंदा, वो चांद भी कह रहा होगा यार तूने तो बेइज्जती कर डाली मेरी, बट फाइनली मैंने खा लिया, रिव्यू आगे है। यस गाइस हम सब ने खाना खा लिया है, मतलब मैंने जल्दी खा लिया, डैडी जी ने तो सबसे पहले खा लिया था। और डैडी जी को मुझे पता है किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया खाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे पता है ना क्योंकि वो मुझे खुद पसंद नहीं आया। वो सब्जी गोभी वाली वो जली जली हो गई थी, क्योंकि उसकी प्याज जल गई थी और मसाला भी मैं कह रही थी ना कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं था, तो वो उसमें जला जला सा हो गया था, तो शक्ल से भी वो जली जली लग रही है और रियल में भी वो खाने में भी जली जली लग रही है। ब्लैक वाले चने थे ना वो बहुत टेस्टी बने, उस तो मुझे भी बहुत पसंद आया, बट सब्जी पता रोटी भी इतनी टाइट टाइट हो गई थी ना, जली जली लग रही थी यार खाने में भी। और पता है बहुत मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को शूट करने में, जिस सब ने मुझे बताया उनको भी बहुत मेहनत लगी, और मुझे खुद को करने में भी बहुत मेहनत लगी। मेरे कमर में दर्द हो गया, इतने सारे बर्तन हो गए, सब कुछ धोया वोया फिर धोंगी, फटाफट से काम खत्म करेंगे। और आज सबने चूड़ी वूड़ी भी सब कुछ पहन रखी थी, अब जाके बस फटाफट से अपना मुंह धोना है। वीडियो में अभी यही पैंट करूंगी। आई होप आप सबको ये चैलेंज बहुत 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 पसंद आया होगा, मैंने बहुत दिल से ये चैलेंज बनाया था,
मतलब जो चीज मुझे करनी नहीं आती वो मैंने किया। खाना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने खाना बनाया। सो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे अब जल्दी अपने नेक्स्ट चैलेंज पे। एंड थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना संभालने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह हाफिज।